मम्मी नाराज तो होने ही वाली, वो तो चाहती है कि मैं डॉक्टर ही बनूं। इसने हॉलीडेज खत्म और बोर्डिंग स्कूल शुरू, एक दिन भी एक्स्ट्रा रुकने नहीं दिया। मम्मी भी ना, मम्मी ने अपनी लाइफ अपने आप ही बनाई। 18 साल की थी जब उनके फादर ने उन्हें घर से निकाल दिया। अकेले रहने का तो सोचने से भी डर लगता है। मैंने अपने पापा को कभी देखा नहीं, और मेरी असली माँ वो बहुत बीमार रहती थी। उनके बारे में सिर्फ एक ही दिन याद है जो मैं कभी भुला नहीं पाती। एक दिन कुछ लोग आए और उन्हें एम्बुलेंस में ले गए। फिर वो कभी वापस ही नहीं आई। फिर एक दिन मम्मी आई। बहुत प्यार से मुझे अपनी गोद में बिठाया और मुझे अपने घर ले गई। तबीयत खराब थी तो पूरी रात मेरे साथ बैठी रही। सुबह मम्मी ने एक सुंदर सी रेड फ्रॉक पहनाई, मेरे लिए ढेर सारे चिप्स बनाए। मम्मी के साथ 10 साल हो गए। अब तो मम्मी मम्मी कम और दोस्त ज्यादा बन गई। संडे हम दोनों का फेवरेट दिन है। बालों में तेल लगाने के बाद दोपहर में मेरा फेवरेट लंच कड़ी चावल, और रात में हॉरर फिल्म। डर लगता है पर मम्मी होती है ना तो नहीं लगता। ये है मेरी मम्मी, है ना प्यारी। मम्मी ने लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स देखे, कितना कुछ सहा है, पर फिर भी उन्होंने हमेशा मेरा ख्याल रखा है। सिविक्स बुक में तो लिखा है कि सबके लिए बेसिक राइट सेम होते हैं, फिर मम्मी को क्यों नहीं है? इसलिए मैं डॉक्टर नहीं, लॉयर बनूंगी, मेरी मम्मी के लिए। मुझे देखते ही आपके मन में पहला सवाल आया होगा कि मुझे ये फूल किसने पहनाया। मम्मी ने बचपन से पहनाती है, और मैं पोनी को। यूं ही बचपन में भैया दीदी हम सब पूरा दिन खेलते, और मैं रेफरी बन जाती। हम अपने आप को कंफर्टेबल बनाने के लिए अलग अलग टेक्निक्स यूज करते हैं। मुझे भी करनी पड़ती है, बस भैया दीदी से थोड़ी अलग। कहानियों से पता चलता है कि लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो सबको होती हैं। बस मेरे प्रॉब्लम सबको नजर आते हैं, लेकिन किसी की बर्थडे पार्टी हो तो मैं नजर ही नहीं आती। मेरी स्किन कंडीशन का नाम इक्थियोसिस है। ये इन्फेक्शियस नहीं, पैदाइशी है। इसका कोई इलाज नहीं। कुछ लोगों के नजरिए की तरह ये 10 लाख लोगों में एक को होता है, पर लाखों में एक तो मेरी मम्मी है। मेरी बीमारी मेरी जिंदगी का एक हिस्सा है।
मेरी पहचान नहीं, क्योंकि मेरी कहानी में वो सब कुछ है जो बाकी कहानियों में होता है, कुछ होप्स, कुछ ड्रीम्स, कुछ कोशिशें। पर ये कहानी शुरू ही नहीं होती अगर 17 साल पहले दो लोगों ने मिलकर एक फैसला नहीं लिया होता। मुझे अडॉप्ट करने का फैसला, और ये फैसला उन्होंने कोई चैरिटी करने के लिए नहीं लिया था। लिया था तो बस खुशी के लिए, प्यार के लिए। आज आप वही फैसला लेने वाले हैं जो उन्होंने 17 साल पहले लिया था, इसी ऑर्फेनेज में। पता है आप यहाँ अपने बच्चे को कैसे पहचान पाओगे? अगर उसे देखते ही आपके मन में वही सवाल आता है जो मुझे देखते ही मम्मी और पापा के मन में आया था। क्या ये हमारी नहीं बन सकती? Yan. Sa mata ng mga taong may konting alam tungkol sa kanya, nakakadiri siya. Agnes? Agnes! Agnes! Oh. Alam mo namang namatay na ang pamangkin ko. Yung best friend mo nagbigay ng pasaning ito, wala na mag-alaga sa kanya. Inayawan siya ng sariling kamag-anak. Tinanggap ko siya. Ni hindi ko alam kung anong haharapin ko noon. Mrs., kailangan regular sangit test at i-monitor. Ganun talaga pag may HIV. Ano po? Ano? Nung narinig ko yun, HIV, parang gumawa ang mundo ko. Pero hindi ko siya binitawan. Ay, Diyos ko! Baka naman magkasakit ka niya sa ginagawa mo. Hindi ka ba natatakot? Tingin sa amin ng mga tao. At walang oras na di ako nag-alala. Ito yung pero hindi ako nawala ng pag-asa. Hiling ko lang, sana maging gaya siya ng mga batang nakakapasok sa eskwela. May mga kaibigan. Apat na taon na hinintay ko bago marinig to. Natutulog na ang virus sa katawan niya. Ngayon, tulad lang siya ng ibang bata. Thank you.
maliit man akong ganito. Pero ang lagi kong iniisip, kung ano man ang nasa dugo niya, paulit-ulit na tinatalo ng pagmamahal ko sa kanya.